यार दिल भी ओके बाय बाय के ग्रिल इसके जो नीचे वाली स्पेस है ना हम यहाँ से निकलते थे लपोश्की अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय द वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ IIMU क्योंकि मुझे अपनी एक फ्रेंड की फीस सबमिट करवानी थी। तो यार ये सारा पाथवे है हमारी यूनिवर्सिटी का। पीछे कैमरामैन यूनिवर्सिटी दिखाएं, अब वापस मेरी तरफ मोड़ लें। तो जी यार ये सारा पाथवे है, ये हम इस ट्रैक से जाते थे ग्रैंड कम्फर्ट, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी। तो पिछला साल हमारा इधर ही गुजरा और बड़ा अच्छा ईयर था वो, काफ़ी मेमोरीज हैं। तो भाई जो जो मेरी हॉस्टल मेट्स मेरी वीडियो देख रही हैं, आई मिस यू ऑल एंड आई लव यू। कंट्रोल मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। लॉकडाउन के देश थे, सारा कुछ बंद होता था, लाइक दरवाज़ा लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था, तो हम 3 महीने अंदर बंद थे। तो अब हम कैसे बाहर निकलते थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये इसकी जो बाउंड्री है, ये जो जंगल आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला ग्रिल, इसके जो नीचे वाली स्पेस है ना हम यहाँ से निकलते थे और वहाँ पीछे करके ना उधर वो कैमरा लगा होता था और हमें डर होता था कि कैमरा मैन आ जाए तो हम रात के टाइम निकलते थे यहाँ से। तो यार मैं इसमें से इजीली निकल जाती थी और हम सब बल के निकल जाते थे और हम ऐसे बाहर जाते थे स्पेस से और ना ही पूछे खारदार झाड़ियाँ चुभती तो, पर हम निकल जाते थे। तो यार जो ऊपर आपको वो वाली खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं ना सबसे ऊपर टॉप पे, उनकी स्टोरी भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो यार ये जो ऊपर वाली आपको ये खिड़कियाँ अभी मैंने आपको दिखाई हैं, ये बेसिकली हमारे हॉस्टल की सारी खिड़कियाँ थी, हमारे रूम्स हुआ करते थे और हम नीचे खड़े एक दूसरे को ऊपर हवाजन दिया करते थे। और मुझे याद है एक बार मैं बाहर थी, लॉकडाउन था और मेरी फ्रेंड अंदर थी, तो मैंने उनको बोला यार मुझे जूता चाहिए, मेरा कबर्ड में पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला यार नीचे तो नहीं आ सकते, तुम कैसे पकड़ोगे, लॉकडाउन है। तो उन्होंने यहाँ से नीचे फेंका और वो बाहर निकलने के बजाय अंदर गिर गया और ये खुल भी नहीं सकता था, तो वो मेरा जूता वेस्ट गया टोटली। मतलब बड़ी मेमोरी था यार। तो यार ये अपनी IIMU का बाहर का दरवाजा जो अभी भी बंद है, अभी बंद है। यार ये हमारा एंटी नरगिस का कैफे हुआ करता था IIMU वालों, देख लो। तो भाई IIMU वालो ये अपनी यूनिवर्सिटी देख लो, पता नहीं अब यहाँ पर आते हो कि नहीं, PMC ने उठा के लेके गई यहीं पर है। कैसा लगा मेरा मजाक? बाय बाय IIMU। तो यार हम जो काम करने आए थे वो हमारा नहीं हो सका, ऑफिस बंद था और अनफॉर्चुनेटली उसके तो हम वापस जा रहे हैं। अब देखें अब कब होता है हमारा काम। फोटोज भी हमने खींच ली, वीडियोज भी बना ली और काफी टाइम लग गए, 1-2 घंटे तो लग ही गए। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, गोलगप्पे खाने का दिल था काफी दिनों से, तो अभी हम ताजमहल जा रहे हैं और वहाँ कुछ और भी ऑर्डर करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ताजमहल पर बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाती थी, बहुत फारिक खान था, बहुत फारिक सब कुछ था। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? तो यार आज है day 2 और मुझे नहीं पता रात को मैंने व्लॉग कहाँ से छोड़ा था, तो आज मैंने सोचा यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। आज हम सुबह 7:30 बजे के उठे हुए हैं क्योंकि रात को हम बहुत जल्दी सो गए थे और अभी हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? फिरने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो
आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। मौसम को मैं आपको बताती हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी क्लियर वेदर है, हल्की हल्की धूप भी है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। ओवरऑल बड़ा मज़े का मौसम है बिश्केक में आज। कोई है यहाँ पर? वो आंटी आ गई। हाय, स्कूल का यार ये अंकल मुझे मिले बस में, मुझे पूछ रहे थे आप कितना पे करते हो मंथली, सॉरी ईयरली अपना ट्यूशन फी। तो मैंने इनको बताया $4,200, तो ये यार आज हम निकले हैं थोड़ा सा बिश्केक को डिस्कवर करने। ओश बाजार की साइड पे ये पीछे कोई बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं देखते अंदर क्या है, हमें जाने भी देंगे नहीं। ज्वेलरी शॉप्स हैं जनाब, चले चलो। और में वो नहीं है शहर नहीं ना, पता नहीं मुझे नहीं पता। अब वही उस तरह से जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ती ज्वेलरी, हर चीज़ वहाँ सस्ती मिलती है, तो उस टाइप का भी बाजार लग रहा है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ ज्वेलरी वगैरह है। तो अगर आपको ज्वेलरी वगैरह चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये तो उधर नहीं आ गए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सारी। तो उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे इस तरफ सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, मतलब मिक्स है, यहाँ कपड़े भी हैं पीछे और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफी चीजें हैं। और मुझे याद है मैं हीटर से गया था और हम इतनी दूर गए थे वो आलमदीन बाजार। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो यहाँ से भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें मिलती हैं, यहाँ कारपेट्स भी हैं। ओ ये टेलर शॉप है ना भाई, कोई टेलर शॉप है। हाय, बहुत अच्छा यार। जो थर्ड फ्लोर है इस बिल्डिंग का, यहाँ पर जी फर्नीचर है सारा। और अभी हम चेक करते हैं यहाँ से फर्नीचर। हम इस बिल्डिंग से बाहर आ गए, अच्छी बिल्डिंग है, लाइक जरूरत की काफी अच्छी चीजें यहाँ से मिल सकती हैं, सस्ती अच्छी अच्छा फर्नीचर। तो खैर हम नया थोड़ी जाना है, हमें क्या फर्नीचर चाहिए। करूँ मैं मर जाऊँ? पानी पी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। यार मैं आपको अभी ओश बाजार बता रही हूँ कितना बड़ा है। इस बिल्डिंग के पीछे भी ओश बाजार है, ये सारा ये नई बिल्डिंग कोई नया प्लाजा बन रहा है, भी ओश है, वो सारा पीछे आपको नजर आ रहा है, ये बहुत फैला हुआ उस तरफ, और फिर ये इस तरफ से भी,
लाइक मतलब यहाँ पर होश ही होश है, होश बाजार बहुत फैला हुआ है, इधर भी पीछे करके उधर भी पीछे, मतलब बहुत बड़ा बाजार है यार। तो ये वाला जो क्लिप है वो न्यू कमर्स के लिए है कि भाई जब आप यहाँ पर आओ होश में तो अपने मोबाइल शोबाइल का ध्यान रखो, क्योंकि मेरी खुद काफ़ी फ्रेंड्स के मोबाइल चोरी हुए हैं यहाँ पर, तो अपने फोन्स को अच्छी तरह रखो, यहाँ पर काफ़ी चोर वगैरह फिर रहे होते हैं। थारा मूड खराब कर दिया, ये देखें यहाँ पर लपोश्की तो यार ये हमें कोई मिली है, लोगों से पूछ पूछा के हम यहाँ आए हैं। ये मीट मार्केट है यहाँ पर, मीट भाई फिश भी अंदर ही आ जाओ। आ जाओ यहाँ फिश है ही नहीं है। तो यार अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमें बेसिकली यहाँ पर इतना स्ट्रीट्स का नाम नहीं पता कि किस स्ट्रीट का क्या नाम है, तो हम क्या करते हैं इंस्टाग्राम पर देखते हैं कोई अच्छा सा कैफे यहाँ पर बिश्केक में, मतलब मैं नहीं मतलब अक्सर तो भी मुझे बताती है फलाने गूगल मैप पर लोकेशन निकाल रहे, फिर हम कहते हैं फलानी जगह पर, फिर इंडेक्स करवाते हैं और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं कैफे से। मतलब हमने ऐसे बिश्केक को फिरा है, मतलब इंस्टाग्राम पर लोकेशन डाल देखते हैं कैफेज पर लोकेशन डाल के इंडेक्स पर फिर हम वहाँ आते हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी बिश्केक घूमा है और ये भी हम जा रहे हैं टैकोज, ये इनका काफ़ी मज़े का मेन्यू है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ से क्या लेंगे। बता रहे हैं कि भाई ये हमने खाना है, एक नाचो एक टैकोज, दिस इज किसे जिलिया अदन वन अदन दिस एंड अदन नाचोस वन वन किसे जिलिया वन टैकोस या टैकोस तो कर नहीं सकते। वेट भाई अदन ये कह रहे थे तुम, ये किसे जिलिया के अपना इंस्टाग्राम दिया इसका रिएक्शन कहते हो इतने ज्यादा फॉलोअर्स। Oh my god! Wow! Follow me. है ना, वैसे मैं भी रवि इतना खुश जो वो भी फॉलो कर यूट्यूब ओके दवा दिस पहले से सब्सक्राइब थे सीरियसली शू यार दिल भी ओके बाय बाय के दिस बाय बाय गुड बाय थैंक यू। तो गाइस लेट्स सी टैकोस, ये टैकोस की चीज स्टिक्स है लिटरली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब सॉल्टी से चीज का टेस्ट आ रहा है, मतलब काफी अच्छे हैं, मजे के हैं, मतलब पैसे जाए नहीं गए। यार ये पता नहीं अजीब सा नाम बता रहे थे इसका, मुझे भूल गया है आई डोंट नो। और ये इस टाइप का है कुछ, अगर ये आ रहा है अगर कुछ इस टाइप का है तो इसको भी ट्राई करते हैं। Mm-hmm.
और लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब डिफरेंस है। मैंने फर्स्ट टाइम बिश्केक में कोई अच्छी चीज़ खाई है, बड़ा अच्छा सा है, आई लाइक इट। और बहुत मज़े का है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा टैक उसके साथ। तैयार की थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग, कुछ मैंने कल शूट किया, कुछ आज अब मैं एडिटिंग करूँगी तो मुझे पता चलेगा कैसी वीडियो बननी है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाती रहूँगी। आपसे भी लगा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।